हमारे साथ हैं स्वामी आत्मबोधानंद, जिन्होंने 194 दिन तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या की थी और उनकी मांग थी कि गंगा को साफ किया जाए। आपने पिछले साल एक बहुत लंबा समय बिना खाने के बिताया, बिना भोजन के बिताया। क्या सरकार से आपको उस समय कुछ आश्वासन भी मिला था? क्या हो रहा है अभी? फिर से पद्मावती जी अनशन पर बैठी हैं साथ। सरकार पूरा पूरी धोखाधड़ी कर रहा है। जो 4 मई 2019 को जो सरकार ने लिखित और मौखिक आश्वासन दिया था, उसका सीधा कॉन्ट्राडिक्टरी रवैया रह रहा है सरकार की तरफ से। इस बीच में भी 10 जनवरी को जब मातृ सदन से हमारे गुरुदेव जी और अन्य लोग भी गए शेखावत जी से एनएमसी जी मीटिंग में, उसमें भी मिनिस्टर के साथ पूरा एनएमसी जी के अधिकारियों ने भी मुखर गया, हमने जो वादा किया था वो हमने कभी वादा ऐसा नहीं किया। वो उल्टा ये कह रहा था कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। तो सरकार का तो पूरा पूरी माफिया रवैया है। तो अभी यहाँ पे अब साध्वी पद्मावती जी अनशन पर बैठी हैं, क्या कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? क्या लगातार कुछ ना कुछ होता रहेगा? साध्वी जी इस बार अनशन पर बैठी और ये संदेश, वो खुद ये कह रही थी कि वो ये संदेश देना चाहती है दुनिया को, मातृशक्ति को भी गंगा जी के लिए आगे आना होगा। और वो साध्वी जी का ये डिमांड है कि जब तक जो सरकार ने दिया, नया कोई कुछ नहीं है, जो दिया हुआ सरकार का जो वचन है उसका पूरा क्रियान्वयन हो, और ये उनका तपस्या तब तक चलते रहेगा जब तक उनका प्राण रहेगा। अगर मांगों को मानेगा तो उनका प्राण बच जाएगा, अगर सरकार को मांग नहीं मानना है, इनका हत्या कराना है, तो वैसे ही बलिदान होगा। तो फिर दूसरे संत बैठेंगे, तीसरे संत बैठेंगे, और ये बलिदान की कड़ी चलते रहेंगे जब तक मांग पूरा नहीं होगा। और आप साथ ही हमें मातृ सदन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मातृ सदन पिछले 20 साल से गंगा जी के लिए, पर्यावरण के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कई लड़ाई लड़ा है। बल्कि हरिद्वार में एक बहुत सबसे मतलब ऑलमोस्ट हर्ट कर सकता है हरिद्वार का वो एरिया है, जो मातृ सदन के सामने के 108 हेक्टेयर ज़मीन, जिसको एक समय में भ्रष्ट अधिकारी, मिनिस्टर लोग, खनन माफिया लोग मिलकर प्लॉटिंग करके बेचना चाहते थे। उसके लिए भी मातृ सदन ने लड़ाई की, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। मातृ सदन को कई तरह से मिनिस्टर अधिकारी को लोग तंग किया, तब भी मातृ सदन 108 हेक्टेयर हुआ। आज के दिन हरिद्वार अगर हरा भरा दिख रहा है, वो काली यही जगह पर है, जगह मातृ सदन ने बचा है, जो ज़मीन को बचा के रखा है वही पर ही है। और दूसरी बात है, जो आप यहाँ से हरिद्वार का एक 10 किलोमीटर स्ट्रेच है जहाँ 100 से ज़्यादा स्टोन क्रशर्स है, और आज के दिन मातृ सदन है इसीलिए हरिद्वार बचा रहा है, नहीं तो ये पूरा स्टोन क्रशर वाले हरिद्वार को पूरा खनन करके बर्बाद कर देता। बल्कि लड़ाई अभी भी जारी है। अब तक मातृ सदन के तरफ से 3 संत बलिदान दे चुका है, एक स्वामी गोकुलानंद जी, स्वामी निगमानंद जी, स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद जी, और तीनों लोगों को सरकार और माफिया मिलकर मारे हैं। और हरिद्वार में आज के टाइम में खनन में अगर कोई रुकाव हुआ है तो मातृ सदन के प्रयास से ही हुआ है। धन्यवाद।